दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल टावर टोली इंडिया पर। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूं आपके लिए हर रोज एक देश की जानकारी। इसी के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे न्यू कैलेडोनिया देश का। तो सर्वप्रथम हम न्यू कैलेडोनिया देश का लोकेशन देखते हैं ग्लोब पर। तो दोस्तों यह है ग्लोब, और ग्लोब के अंदर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित न्यू कैलेडोनिया देश स्थित है। ग्लोब में लोकेशन देखने के बाद न्यू कैलेडोनिया दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित एक फ्रांसीसी उपनिवेश देश है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और वनुआतू के दक्षिण में स्थित एक मेलनाइशिया देश का उपभाग है। अब बात की जाए इसकी खोज की, तो इसकी खोज सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने इसको खोजा था, और उन्होंने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम कैलेडोनिया के आधार पर इसका नाम रख दिया न्यू कैलेडोनिया। उसके बाद में 1853 ईस्वी में फ्रांस की शासक नेपोलियन तृतीय ने इस पर आक्रमण करके इसको जीत लिया था, और उसके बाद में कई वर्षों तक इसको जेल कॉलोनी बनाकर रखा। यहां पर बंदियों को रखा जाता था। अब हम बात करें, इस देश पर मुख्यतः फ्रांस का अधिकार है, और फ्रांस के राष्ट्रपति को ही यहां का राष्ट्राध्यक्ष माना जाता है। दोस्तों इसके बाद में इस न्यू कैलेडोनिया देश के अंतर्गत पहाड़ी इलाका है, जिसकी उत्तर दिशा में सबसे ऊंची चोटी है माउंट पैनी, जिसकी ऊंचाई है 1629 मीटर। माउंट पैनी न्यू कैलेडोनिया देश का सर्वोच्च शिखर है। इसके दक्षिण में स्थित है माउंट हम्बोल्ट। दोस्तों न्यू कैलेडोनिया के अंदर एक नदी बहती है जिसका नाम है दियोट नदी। दियोट नदी न्यू कैलेडोनिया की सबसे लंबी नदी है। दियोट नदी के किनारे ही निखिल निखिल खनिज तत्व होता है, वो निकलता है। निखिल खनिज तत्व इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के काम में आता है, और यह निखिल का निर्यात चाइना को करता है, जबकि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का उपनिवेश है। इस वजह से फ्रांस और चाइना के बीच में सामरिक चीज को लेकर आपस में द्वेष चलता रहता है। अब हम बात करें इसकी राजधानी की, तो न्यू कैलेडोनिया का सबसे बड़ा शहर है नोमिया, और इसकी राजधानी भी है नोमिया। क्षेत्रफल है इसका 18,576 किलोमीटर। इसकी जनसंख्या है 2,70,000। इसकी जनसंख्या की बात की जाए तो 40% जनसंख्या इनकी स्थानीय कनक कनक समुदाय की है, और 27% जनसंख्या यूरोपीय मूल की है। बात की जाए इसकी मुद्रा की, तो इसके अंदर मुद्रा चलती है सीपीएफ फ्रैंक। जाहिर सी बात है फ्रांस का उपनिवेश है तो मुद्रा फ्रैंक ही चलेगी, और यहां की भाषा है फ्रेंच। दोस्तों इतनी बात करने के बाद में हम देखते हैं इसके पक्षी के बारे में। तो यहाँ एक पक्षी पाया जाता है कग्गू, जो उड़ नहीं सकता। और अब बात करते हैं इस उपनिवेश की, तो यह उपनिवेश वर्तमान में फ्रांस से अलग होना चाहता है। इसी को लेकर इसमें 2018 में जनमत संग्रह करवाया गया। तब 2018 के जनमत संग्रह के अनुसार 56.3% जनसंख्या फ्रांस के साथ रहना चाहती थी, और 43.6% जनसंख्या फ्रांस से स्वतंत्र होना चाहती थी। इसी के आधार पर अक्टूबर 2020 में जर्मन संग्रह हुआ, जिसके अंतर्गत 53.25 लोगों ने फ्रांस से अलग होने का समर्थन किया, और तीसरा जर्मन संग्रह हो सकता है 2022 में होगा, और यह देश फ्रांस से स्वतंत्र हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल चलता हूं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।